वहीं लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए मौजूदा सरकार और कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल किए। जहां गुजरात चुनाव पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने गुजरात मॉडल पर सवाल उठाया, वहीं अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट पर कहा कि सरकार ने गरीबों को धोखा दिया है। बीजेपी की सरकार में तो नहीं बन पाया एम्स, जबकि केजीएमयू में वो भी सपा के ही देने हुए। 22 साल की सरकार के कामकाज की बात और फिर ये गुजरात मॉडल का न केवल गुजरात में प्रचार हुआ होगा बल्कि देश में भी प्रचार हुआ होगा और उसके बाद मतदान हुआ और जीत भी ऐसी, क्रिकेट में तो 100 में सेंचुरी मानते हैं, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा गए, 99 पे ही रुक गए। वहीं कांग्रेस को अच्छा भी वोट मिला और जो उन्होंने समीकरण बनाया था, जिस तरीके से नई पीढ़ी के नेता और नई जो आवाज उठा रहे थे गुजरात में, उन लोगों को साथ लेकर के एक बेहतरीन समीकरण बनाया, उनको भी सीटें ज्यादा मिली हैं। बस बीजेपी बच गई। हम पे आरोप लगता था कि हम लोग कब्रिस्तान को पैसा दे रहे हैं, शमशान को पैसा नहीं दे रहे हैं। अब जो बजट आया है वो शमशान को पैसा दे रहा है, कब्रिस्तान को पैसा नहीं दे रहा है। और चुनाव तो विकास पे हुआ ही नहीं था। उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा देश जानता है, जात और धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और वही भारतीय जनता पार्टी जब गुजरात का परिणाम आ गया है तो वो आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं कि वो जात और धर्म पे चुनाव लड़ रहे थे। और लखनऊ ये तय करे सरकार कि इस घटना जहां पे घटना हुई है, पूर्व विधायक जिसके बेटे की हत्या हो गई, वहां से गवर्नर हाउस पास है कि मुख्यमंत्री हाउस पास है, कम से कम ये तो सरकार बताए कि लखनऊ जैसी जगह पर लोग सुरक्षित नहीं है और कानून व्यवस्था के सवाल पर भी सरकार पूरी तरीके से असफल हुई। और सोचिए अगर मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के डॉक्टरों को अगर आजादी हो तो केजीएमयू के कैसे रुकेंगे? और जो उन्होंने दावा किया था और धमका के दावा किया था, उस दावे का क्या होगा? इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए, मेडिकल कॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश के आम जनता गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इन्होंने बजट काटा है गरीबों का, इलाज के पैसे काटे हैं, आज फ्री डायलिसिस नहीं हो रही है, फ्री दवाई नहीं मिल पा रही है। ये केवल प्रचार में आगे हैं, बातें बनाने में आगे हैं। बताओ बिजली एक यूनिट नहीं बनाई और बातें अगर आप सुनना चाहोगे न जाने कितनी बातें बना देंगे। ये बातें बनाना तो जानते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक 9 महीने में एक भी बिजली की यूनिट नहीं बनाई इन्होंने, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ट्रॉमा सेंटर जो बन रहे थे वो भी नहीं पूरे हुए, जिनमें जो स्टाफ को हमने शुरू कर दिया था पुरानी समाजवादी सरकार में, डॉक्टर्स की भर्ती, टेक्नीशियंस की भर्ती।